गूगल क्रोम की हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हम अपना जो है मोबाइल फ़ोन में कोई भी वेबसाइट खोलते हैं या देखते हैं तो उसकी हिस्ट्री ऑटोमेटिक हमारे क्रोम में सेव हो जाती है, जो कि लास्ट के एक महीने तक हमने जितने भी वेबसाइट में विजिट किए हैं वो हम देख सकते हैं। मान लो मैंने 10 दिन पहले कुछ पिक्चर्स मैंने डाउनलोड किए थे, लेकिन अभी मुझे पिक्चर चाहिए लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कौन सी वेबसाइट से जाकर वो पिक्चर डाउनलोड किए थे, तो वापस मैं हिस्ट्री में जाके पीछे में जाकर वो मैं देख सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ बताऊँगा कि आप वापस हिस्ट्री में जाके कोई भी चीज़ कैसे देख सकते हैं और उस हिस्ट्री को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, ताकि आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी या किसी और आदमी के हाथ में जाता है तो ये ट्रैक करके आसानी से देख ना सके कि भाई आपने कौन कौन से वेबसाइट में विजिट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मोबाइल में करके दिखाऊंगा, लेकिन ये चीज कंप्यूटर, पीसी है, यानी सब में एक ही चीज काम करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने मोबाइल स्क्रीन में आ चुका हूं। अब मैं क्रोम में जाता हूं मैं, ठीक है। अब क्रोम में लॉग इन करके ऊपर में जो 3 डॉट है उसको 3 डॉट में आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 डॉट है, मैंने क्लिक किया। अब 3 डॉट में क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपको जो है हिस्ट्री में आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मुझे देखना है कि कुछ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले या 25 दिन पहले। तो यहाँ पे देखो, ये जितने भी हैं ये देख रहे हो, ये सब हिस्ट्री है जो जो मैंने यहाँ पे सर्च किया था। ठीक है, अब जैसे कि देख सकते हैं कि ये साइड में मेरी पूरी हिस्ट्री खुल गई है पिछले एक महीने की, और मैं चाहता हूँ कि मैं 25 दिन पहले मैंने एक फ़ोटो लिया था लेकिन फ़ोटो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, तो वो फ़ोटो मुझे देखना है कहाँ से वेबसाइट से लिया था, ये क्या फ़ोटो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो मैंने एक वेबसाइट जो विज़िट किया था, अब मैं यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने एक इमेज लिया था, अब देखो ये खुलेगा, डायरेक्ट खुलेगा, कुछ नहीं करूँगा, बस मैंने क्लिक किया। अब देखो, ये देखो, तो डायरेक्ट वो जो मैंने पिक्चर्स लिए थे अपने जो है वीडियो के थंबनेल के लिए, मैंने कुछ पिक्चर लिए थे, तो ये देखो मैंने 15-20 दिन पहले लिए थे, तो उसका पिक्चर जो है यहाँ से जाके मैं देख सकता हूँ कि कौन से वेबसाइट से लिया था या कैसे लिया था, जो लिया था। यानी मैं जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये कोई भी वेबसाइट में आप जाके ऐसा करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये हो गई बात ये हिस्ट्री देखने की, अब इसको डिलीट कैसे करें। ठीक है ना, तो वापस इसको मैं 3 डॉट में जाते हैं और हिस्ट्री में क्लिक करते हैं, और हिस्ट्री में क्लिक करने के बाद, ठीक है, अब मुझे हिस्ट्री पूरी डिलीट करनी है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो क्लियर ब्राउजिंग डाटा है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा में मैं क्लिक करूँगा, और क्लियर ब्राउजिंग डाटा में क्लिक करने के बाद एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन में क्लिक करूँगा। ये पहला आपका बेसिक में रहेगा, इसको एडवांस में लाना है, और ऊपर में जो ब्राउजिंग डाटा, कुकीज़ और कैसे, इसको 3 को आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद देखो पासवर्ड है और ऑटोफिल है, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं करना है, क्योंकि हमने जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा वो भी इसके साथ जो है आपका जो है उड़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड ही मिटा देना चाहते हैं कि मेरे इसमें पासवर्ड ही मिट जाए, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, और इसको सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो आपका जितना भी हिस्ट्री सब खत्म हो जाएगा, लेकिन पासवर्ड का जो है वो आपके में सेव रहेगा। ठीक है, और साइट सेटिंग्स भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो जो जो आपको करना है, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, ब्राउजिंग हिस्ट्री मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखो ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ये मैं इसको मैं डिलीट करूँगा। इसके बाद मैं जो है क्लियर डाटा में मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अभी क्लियर ब्राउजिंग डाटा हो रहा है, यानी मेरा पिछले जो भी 30 डेज का जितना भी डाटा था मेरा सब क्लियर हो जाएगा, सब साफ़ हो जाएगा। ठीक है, साफ़ कर दिया। अब ये देखो, ये पूरी तरह से ये साफ़ हो चुका है, यानी एक भी नहीं है। ठीक है ना, इसको मैं कंफर्म करने के लिए फिर से जाते हैं 3 डॉट में, अब हिस्ट्री में क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे नो हिस्ट्री है, कुछ आ रहा है, पहले कितने वेबसाइट्स आ रहे थे, ठीक है, अभी कोई भी हिस्ट्री यहाँ पे नहीं आ रहा। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आप अपनी हिस्ट्री चेक करके पिछले 10-15 दिन पहले या एक महीने के अंदर आपने क्या क्या किया था वो आप चेक कर सकते हो, प्लस अगर आप अपनी हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो तो इस तरह से आप आसानी से डिलीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं और एक ऐसी नई वीडियो के साथ।